हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो आज मतलब सुबह से हम कोई व्लॉग नहीं शूट किए क्योंकि शाम को मतलब पार्टी जाना था, तो हम सोचे चलो पार्टी का ही हम कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं पार्टी, तो अभी हम तैयार हो रहे हैं। मतलब ये भी आ गए हैं दुकान से, लेकिन अभी फ्रेश हो रहे हैं। और बाबू भी इधर ही मतलब खेल रहा है, कभी देखिएगा अभी आपको सामने में दिखाई देगा, कभी वो मेरे पास आता है कभी उधर जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग फटाफट से रेडी हो जाते हैं, और यहाँ पे हम साड़ी पहन लिए हैं, बस मतलब कंघी करना है और उसके बाद थोड़ा बहुत जो हल्का मेकअप करते हैं हम लोग, हम मतलब और कोई क्या तो नहीं पता, लेकिन हम उतना ज़्यादा कुछ मतलब नहीं यूज़ करते हैं। हल्का फुल्का क्रीम वगैरह, काजल वगैरह, बस नॉर्मल जो रहते हैं मेकअप वही यूज़ करते हैं। तो बस यहाँ पे हम हल्का मतलब बाल बना लेंगे और उसके बाद मेकअप करके रेडी हो जाएंगे। और ये जो मेरी ग्रीन कलर की साड़ी है ना, ये मेरे शादी के बाद की मतलब यहाँ ससुराल का फर्स्ट साड़ी है जो ये हमको ख़रीद के दिए थे। जब हम लोग शादी के 6 महीने बाद सूरत घूमने गए थे ना, तो वहाँ से ये ख़रीदे थे। और उस टाइम ये हमको उस टाइम मतलब क्या अभी भी अच्छी लगती है, बस थोड़ी हेवी है ना तो पहनने का मन नहीं करता, और ये बहुत अच्छी लगती है मतलब देखने में। तो वहाँ पर हमको ये अपने पसंद से ही दिलवाए थे, मतलब तो हमको यही पसंद आया था ग्रीन कलर की। ये उस टाइम हमको लगता है 1700-1800 का था, और हम लेके ना बहुत खुश थे कि हम इतना महंगा साड़ी लिए हैं, क्योंकि उस टाइम ना मतलब 1700-1800 भी बहुत लगते थे। तो बस मतलब इस साड़ी को जब हम देखे ना, अभी एडिट कर रहे हैं तो दूर से देखे, ऐसे तो नॉर्मल देखते रहते हैं तो नहीं कुछ मतलब लगता है, लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं ना, तो हमको वो मतलब उस टाइम का याद आ गया, तो हम सोचे चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो मतलब ना मतलब होता है ना कि कोई भी सामान या कोई मतलब कोई भी कपड़ा आप कभी लिए हैं तो उसकी ना एक अलग ही कहानी होती है, और जब आप उस चीज़ को देखेंगे ना तो वो चीज़ याद आता है कि हम ये किस टाइम कैसे लिए थे। मतलब होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं सबके साथ होता है। तो बस चलिए अब हम जल्दी जल्दी से रेडी हो जाते हैं, उसके बाद चलते हैं हम। तो यहाँ पे अभी हम मतलब पूरा रेडी हो गए हैं, बस एक मंगलसूत्र पहनना है और चूड़ी चेंज करना है। तो अभी हम चूड़ी चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे ना बाबू बहुत परेशान कर रहा था, जैसे हमको रेडी होते हुए देख लिया तो मम्मी हमको जल्दी कर दीजिए, तो उसी को हम समझा रहे थे कि रुको थोड़ा सा बचा है और रेडी हो के फिर तुमको रेडी कर देते। मतलब बच्चे लोग का होता है ना कि कहीं जाना हो ना तो बहुत परेशान करते हैं, उनसे पहले अगर आप तैयार हो जाइएगा तो भी प्रॉब्लम है, और उनको पहले तैयार कर दीजिएगा तो भी प्रॉब्लम है। अगर पहले तैयार कर दीजिएगा तो वो लोग इतना इधर उधर करेंगे ना कि उसको कपड़े को गंदा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम चूड़ी पहन लिए हैं। तो फाइनली अभी हम पूरा तैयार हो गए हैं, अब बाबू का मतलब हो गया है मुँह हाथ धो के, उसके बाद उसको तैयार करके फिर हम लोग निकलेंगे। तो चलिए अगर मौका मिलेगा मतलब वहाँ पे अगर, तो आप लोगों को ज़रूरी पार्टी का थोड़ा बहुत वीडियो दिखाएंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा तैयार होकर निकलते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं पार्टी वाले घर में, और यहाँ पर ना पार्टी जो थी ना इनके छत पे ही थी, मतलब छत काफ़ी अच्छा है, बड़ा सा था तो यहाँ पे हो गया था। मतलब जिनका छोटा रहता है तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन इनका छत मतलब घर बड़ा है तो छत बड़ा होगा ही। तो देखिए अभी हम लोग छत पे पहुंच गए हैं, और अब यहाँ पर ना मतलब जाते ही अब हम लोग सोचे कि चलो खाना मतलब पार्टी में जाओ तो स्टार्ट कर ही दो। तो बस हम लोग पहुंच गए, और यहाँ पर जाते ही ना बाबू को आइसक्रीम दिख गई थी, तो वो बहुत परेशान कि पहले हमको आइसक्रीम दिला दीजिए। तो आइसक्रीम हम उसको दिला के उसके बाद हम लोग भी कुछ कुछ लेके खाए। Find the real me। तो अभी हम लोग स्टार्टर थोड़ा बहुत लिए, और उसके बाद अभी जा रहे खाना खा लेंगे, क्योंकि ना मतलब पार्टी वगैरह में अभी गर्मी के टाइम में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, भीड़ की वजह से ना वहाँ बहुत गर्मी लग रही थी। और गर्मी तो अभी है ही, क्योंकि कभी कभी बारिश हो जा रहा है तो उसके बाद इतनी उमस वाली गर्मी हो रही है ना कि क्या बताए। तो बस अब लोग हम यहाँ पर खाना वाना खा के और उसके बाद निकल जाएंगे। मतलब यहाँ पर मम्मी की दोस्त लोग मिल रही थी कभी बीच बीच में, तो बस बात हो रहा था। तो
बस यहाँ पर भी हम लोग का खाना वाना हो गया है। तो बस अब हम लोग नीचे उतरे थे तो यहाँ पर देखिए स्टेज बना हुआ था, तो दुल्हन बैठी थी तो हम सोचे रुकिए आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो मतलब ज़्यादा हम नहीं लिए, हल्का सा ही लिए थे। और उसके बाद उसे चलते हैं हम लोग घर। तो यहाँ पे जो रोड का ना डेकोरेशन किया हुआ था ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम और मम्मी मतलब और दीबू थे मेरे जेठानी के लड़के, तो हम लोग यहाँ पे खड़े होके ना दो चार पिक्चर लिए थे। तो और उसके बाद तब निकले हम लोग घर के लिए। अभी हम लोग आ गए पार्टी से और देखिए क्या हाल हुआ, क्योंकि बहुत गर्मी है और वहाँ भीड़ की वजह से और भी गर्मी लग रही थी। तो जितना हुआ उतना हम वीडियो शूट किए और ज़्यादा नहीं किए क्योंकि बाहर में अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे बाबू चेंज करके लेट गया है, तो चलिए अब चलते हैं, ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं कल।